एलजी का टीवी है 32 इंच का, फॉल्ट क्या है हम चालू करके देखते हैं। साउंड ओके, पिक्चर में प्रॉब्लम है और पिक्चर में भी ऊपर की स्क्रीन ओके है और नीचे की जो स्क्रीन है उसमें फॉल्ट है। चेक कर लेते हैं, यहाँ पर VGL का फॉल्ट हो सकता है। हम डिस्प्ले को बाहर निकाल लेते हैं और मेरी थ्योरी के हिसाब से इस पैनल में गेट कॉफ है, ठीक है, क्योंकि VGH VGL गेट एरिया में जाते हैं। तो हम ओपन करके चेक कर लेते हैं। पैनल को बैकलाइट टेबल पे रखेंगे और इसे रिपेयर करने का ट्राई करेंगे। एक ही कैप से हम उठा लेंगे। वी ऑफ चेक कर रहा हूँ बिकॉज बेसिकली ये फॉल्ट जो है, नीचे पिक्चर नहीं आ रहा है, ये वी ऑफ का फॉल्ट है। ओके, अब मैं यहाँ पर वोल्टेज चेक कर रहा हूँ वी ऑफ। तो यहाँ आप देख रहे हैं -8 वोल्ट, मतलब यहाँ पर तो DC to DC IC ये वोल्टेज बना रही है। ओके, और वी ऑन चेक कर लेते हैं। वी ऑन यहाँ पे है जो गेट एरिया में जाने वाले वोल्टेज। ओके, सो ये हाई बता रहा है तो हमें 200 की रेंज रखनी पड़ेगी इसके लिए। सो यहाँ पर 28.8 वोल्ट बता रहा है, दैट मीन्स ये भी ओके है जो DC to DC IC बना रही है। लेकिन हम ये दोनों वोल्टेज की प्रेजेंस देखेंगे गेट कॉफ में, और साथ में 3.3 वोल्ट चेक कर लेते हैं यहाँ पर DVDD। सो यहाँ पर 3.3 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। ओके, सो 3.3 वोल्ट ओके है। तो ये तीनों वोल्टेज हमें चेक करना है, उसमें से मेन जो कल्प्रिट है वो वी ऑफ है। सो अभी हम चेक कर लेते हैं गेट एरिया में ये तीनों वोल्टेज पहुंच रहे हैं या नहीं। कि ये जो वी ऑफ पॉइंट है ये ऊपर से थर्ड है नंबर, सो वी ऑफ हमें चेक करना है पहले तो, और दूसरा है वी ऑन जो कि नीचे से फर्स्ट है, और तीसरा जो हमें चेक करना है वो चौथा पॉइंट है ऊपर से 3.3 वोल्ट। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर ये सभी वोल्टेज प्रेजेंट है या नहीं है। सबसे पहले हम वी ऑफ चेक करेंगे जो कि -8 वोल्ट आ रहे थे सोर्स PCB पे। यहाँ आप देख सकते हैं लव माई इंडिया जो है नीचे की साइड है वो नज़र नहीं आ रहा है। सो थर्ड, ऊपर से थर्ड पॉइंट वी ऑफ है, हम चेक कर रहे हैं अभी वी ऑफ टेस्ट पॉइंट। ये वाला पॉइंट वी ऑफ का है, यहाँ पर 0.45 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, मतलब ये वैल्यू हमें कम मिल रही है यहाँ पर। ओके, मिसिंग है 0.45, तो हमें एक जम्पर तो यहाँ लगाना ही है। वी ऑन चेक कर लेते हैं, नीचे से फर्स्ट पॉइंट है, वी ऑन पे 27-28 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ पर 0L मीन्स हाई रेंज जा रहा है, हम 200 की रेंज में रखेंगे मीटर को। और यहाँ पर फर्स्ट टेस्ट पॉइंट पे हमें चेक करना है, यहाँ VGH तो आ रहा है 28 वोल्ट, ठीक है, लेकिन VGL जो कि थर्ड पॉइंट है यहाँ से, उसकी जगह पे 0.4 वोल्ट आ रहे हैं, तो हमें एक जम्पर लगाना है इधर। ओके, और 3.3 वोल्ट हम चेक कर लेते हैं, चौथा टेस्ट पॉइंट है। सो फोर्थ टेस्ट पॉइंट पे यहाँ पर 3.1 वोल्ट बता रहा है, हम 20 की रेंज में रख के देख लेते हैं कितने वोल्ट है एग्जैक्टली ये बता रहा है। सो यहाँ 3.22 वोल्ट बता रहा है। ओके, सो ये भी है लेकिन थोड़ा सा ड्रॉप होके आ रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, दो जम्पर लगाएंगे यहाँ पर, एक तो 3.3 वोल्ट का और दूसरा जम्पर लगाएंगे थर्ड टेस्ट पॉइंट जो कि 0.45 वोल्ट बता रहा है, जबकि -8 वोल्ट होना चाहिए था। तो दो जम्पर लगाना है हमें अभी, कर दिया है जो कि -8 वोल्ट यहाँ से आ रहा है। ओके, मैंने कंटिन्यूटी चेक की तो हमें कंटिन्यूटी कहाँ मिल रही है, हम चेक करके बता देते हैं आपको। वी ऑफ की जो कंटिन्यूटी है हमें यहाँ से, ठीक है, यहाँ मिल रही है। ओके, सो जम्पर मेरे को शॉर्टेस्ट एंड पे लगाना है तो मैंने यहाँ से ले लिया, और मुझे 3.3 वोल्ट भी चाहिए। कहाँ से मिल रहे हैं, यहाँ से आना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये एक PF है जिस पे ये वोल्टेज पहुँचेंगे। सो हम यहाँ से ले लेते हैं एक और जम्पर, दूसरा जो जम्पर लगा रहे हैं ये 3.3 वोल्ट की लाइन हमें वहाँ से मिली, DC to DC IC की आउटपुट जो टेस्ट पॉइंट है वहाँ से।
3.3 वोल्ट का जंपर सो हम लगा देते हैं चौथे पॉइंट पे। ओके, ये हो गया हमारा एक जंपर 3.3 वोल्ट का। और माइनस वोल्टेज जो माइनस 8 वोल्ट नहीं पहुंच रहा है वो भी हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हो गए हमारे दो जंपर्स, एक 3.3 वोल्ट और एक हमने दिया है वी ऑफ माइनस 8 वोल्ट। अब हम ऑन करके चेक कर लेते हैं कि इसके बाद ये वोल्टेज देने के बाद क्या हमारी डिस्प्ले ऑन हुई। और सबसे पहले हम कंटिन्यूटी देख लेते हैं, हमने जो पॉइंट कनेक्ट कर रखा है वो सही जगह पे आया है कि नहीं। तो सबसे पहले तो मैं DVD चेक कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, वो पहुँच गया। ओके, सो ये क्लियर हो चुका है कि ये दोनों टेस्ट पॉइंट्स अपनी अपनी जगह पे लग गई है। अब हम डिस्प्ले देख लेते हैं, ऑन करके ऑन कर दिया है। अब हम देख लेते हैं, मेक इन इंडिया हमारा पूरा आना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आई लव माय इंडिया। देखिए एक्चुअली उल्टा आ रहा है बिकॉज मैंने पैनल उल्टी रखी है, यहाँ पर HDMI लिखा हुआ आ गया, पिक्चर भी आ जानी चाहिए, तो पूरी पिक्चर आ रही है। ये हमने भी वायरिंग की है, अब हम फिर से ऑन करके देखेंगे, इसके बाद हमारी पिक्चर जो है वायरिंग के बाद सही है या नहीं हमें वो भी देखना है। बैकलाइट ऑन कर, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओके है अभी, ठीक है। तो डिस्प्ले को हम अब रख के चेक कर लेते हैं ओरिजिनल LG की TV के अंदर ही। पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले एकदम कंप्लीट है। अब पूरी हम असेंबली को फिट करके आपको दिखाते हैं फाइनल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत बढ़िया तरीके से रिपेयर कर दिया है। और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरी ट्रेनिंग में आप आ सकते हैं। अहमदाबाद में 14 नवंबर को है ट्रेनिंग, 7 दिन की ट्रेनिंग, 14 से 20 नवंबर तक रहेगी ये अहमदाबाद में, यहाँ पर ये वर्कशॉप पे जहाँ पे अभी आपने ये रिपेयर वीडियो देखा। कोलकाता में मेरी 3 दिन की सेमिनार है, 12 दिसंबर को स्टार्ट होगी, 12, 13 और 14 तारीख तक रहेगी ये। कौन दे रहा है ट्रेनिंग? विनोद कैनी, मैं खुद। और मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे है 9825842502। इस पर मुझे कॉल करके सीट बुक कर सकते हैं आप इस ट्रेनिंग की और अहमदाबाद की ट्रेनिंग की। कोलकाता, बिहार, जो भी आजूबाजू में ओडिशा से अगर जो आप यहां पर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोलकाता आपको पास में पड़ता है, तो कोलकाता में आइए 12 दिसंबर को, 12, 13, 14 दिसंबर को ये ट्रेनिंग होगी।